पेंट बाल्टी है उसको एक नया लुक देंगे और इस तरह से पेंट बाल्टी के लिए कवर बनाएंगे। ये हमने कवर बनाया है और ये वॉशेबल है, हम इसे मशीन वॉश या हैंड वॉश भी कर सकते हैं। देखिए कैसे इसमें ये हमने दो डिज़ाइन बनाए हैं, इसमें एक डिज़ाइन तो ये है, हमने इलास्टिक डाली हुई है इसमें, ये देखिए इस तरह से निकल जाता है ये, इसे आप कवर को धो सकते हैं, ये इजीली वॉश हो जाएगा इस तरह से। और ये हमने एक इसके लिए पिल्लो बनाया और ये भी हमने रिमूवेबल इधर इलास्टिक लगाई है और बाल्टी के नीचे तरफ इलास्टिक लगाई है, तो इस तरह से हमारा ये भी रिमूव हो जाएगा, तो हम इसे भी वॉश कर सकते हैं और इसे भी वॉश कर सकते हैं, तो इसे वॉश करके हम दोबारा से भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस और ये हमारी अंदर इसके पेंट वाली बाल्टी है। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। इसमें एक डिज़ाइन में तो हमने एज इट इज़ इस तरह बनाया है और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर पिल्लो रखा है, दूसरे डिज़ाइन में हमने इसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा कवर बनाया है। तो हम मैं आपको ये दोनों डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि हमने दोनों ये कैसे बनाने हैं। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। आज हम आपको इस तरह से घर में पेंट किया डिस्टेंपर की बाल्टियाँ होती हैं उसे स्टूल बनाना सिखाएंगे और उसके लिए हम वॉशेबल कवर बनाएंगे। मीन्स आप उस कवर को कभी भी निकाल सकते हैं, धो सकते हैं और दोबारा से अपने स्टूल पर दोबारा से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर की गद्दी बनाएंगे। देखिए इसमें यहाँ पे ये छोटा सा ये इस तरह का बना हुआ है, तो इसलिए हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पे हम इसे इस तरह से फिट कर देंगे अच्छे से। अगर ये आपका फिट नहीं होता तो आप इसे अच्छे से साइड में टेप लगा के इसे अच्छे से बंद कर लीजिए। तो हमारा ये बिल्कुल फ्लैट सर्फेस था, हमें राउंड मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का हम नाप लेके पहले इसके लिए गोल गद्दी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका नाप ले लेंगे, हमें कितना बनाना है, जो भी आपकी बाल्टी है उसका नाप ले लीजिए। हमें गद्दी का साइज़ चाहिए अप्रॉक्सीमेट 12.5 इंच ही है, 13 इंच ले लीजिए, 13 इंच हमें चाहिए गद्दी इस तरह से, 13 इंच, तो 13 इंच हमें गद्दी चाहिए। तो सबसे पहले हम गद्दी बनाना सीखते हैं। 14 इंच का पीस कटिंग कर लिया। अब हमें इसका राउंड कैसे बनाना है, हमें राउंड कैसे बनाना है बेसिकली मैं वो आपको बता रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करना है इसे, फिर इस तरह से फोल्ड किया हमने इसे, ये फोल्ड किया और इसे यहाँ पर कटिंग कर लीजिए। राउंड शेप इजीली कटिंग हो जाती है, तो आपको जितना भी चाहिए उसका स्क्वायर काट के उसका इस तरह से हमने ये राउंड कटिंग कर दिया। अब इस तरह के दो पीसेस हमें बनाने हैं और उनको आपस में ज्वाइन करना है और उसके बाद उनके बीच में रुई भर के जो भी हमने दो राउंड पीस कट किए थे उस पर हमने साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा ली है, दो पीसेज रख के। थोड़ा सा हमने यहाँ से ओपन छोड़ दिया था यहाँ पे इस तरह से, तो हम इसे यहाँ से सीधा करेंगे, हमने सीधा कर दिया। इसके अंदर पॉलीफिल भर के जो हमारा साइड है इसे हाथ से कर देंगे, तो हमारी तक्की बन जाएगी। तो सबसे पहले आप इस तरह की तक्की बना ली, ये देखिए इस तरह से ग्रीन कलर में मैंने इसके नाप की तक्की बनाई है। हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था यहाँ पे, तो ये इस तरह से यहाँ तक आ रही है, देखिए। देखिए अब हम इसे सबसे पहले इसका नीचे वाला कवर बनाते हैं। वो हमें कैसे बनाना है उसके लिए हमें नाप लेना है। कैसे नाप लेना है, यहाँ से हमें नाप लेना शुरू करना है, थोड़ा यहाँ से इसके ऊपर तक आएगा वो, यहाँ से लेके बिल्कुल इसके नीचे तक हमें लेना है। ये हमारा है 18 इंच, तो हम ये वाला फर्स्ट नाप लेंगे अपना 18 इंच। दूसरा नाप हमें लेना है इसका गोलाई में, ये मेरा है 38 इंच/40 इंच का। तो हम एक स्क्वायर पीस कट करते हैं जिस भी कपड़े में से आपने कवर बनाना हो। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगी 40 इंच, तो हमारे पास दो नाप आ गए, एक हमारे पास आ गया 40 इंच इस तरह से 40 इंच, दूसरा हमारे पास है 18 इंच/40 इंच का। तो हम एक स्क्वायर पीस कट करते हैं जिस भी कपड़े में से आपने कवर, तो मैंने इस कपड़े में से जैसे कवर बनाना है तो मैं इसमें से ले लूँगी, हमारा था 20 इंच, ये डबल कपड़ा है, ये देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। तो हमारा ऐसे था गोलाई में, हमने जो लिया था वो था हमारा 38 इंच आया था और हमने सिलने के लिए लिया था, तो 40 का आधा होता है 20 इंच, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से डबल है। तो ये हमने 20 इंच पे लेके इसका निशान लगा दिया यहाँ पे, और हमारी लंबाई का इस तरह से जो भी हमारी लंबाई थी 18 इंच, उस तरह का हमने इसमें से पीस कटिंग करना है 18 इंच। तो हम ये स्क्वायर पीस एक कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने ये पीस कटिंग कर लिया हमारा। इसका टोटल हम इस तरह से खोलेंगे, ये हमारा 40 इंच है इस तरह से, और इस तरह से हमारा 18 इंच की लेंथ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे हम स्टिच करेंगे यहाँ से, जो हमारा साइड से एक ओपन साइड है इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सबसे हमने इसमें पूरी सिलाई लगा दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा दी है, तो हमारा इस तरह से ये स्क्वेयर पीस एक बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसके साइड में इस तरह से
जैसे हमने क्या लेना है, वो जो इलास्टिक होती है 1/4 इंच ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तो हम ये इलास्टिक इसके यहाँ ऊपर तरफ और नीचे तरफ दोनों तरफ ये इलास्टिक डालेंगे। तो उसके लिए हमें कैसे डालनी है, ये सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखिए इलास्टिक से थोड़ा सा ही बड़ा साइज है ये, ताकि इलास्टिक हमारी आसानी से चली जाए। तो इतना हिस्सा छोड़ के पूरे इसमें सिलाई लगा देनी है, ताकि हम यहाँ से इलास्टिक अंदर डाल सकें। हमने साइड से इसको सिल लिया, अब हम इसमें ये जो हमारी इलास्टिक है ये डालेंगे। इसी तरह से आपको इस तरफ से भी बनाना है, दूसरी तरफ से भी, दोनों तरफ से सेम तरीके से बनाना है। पहले मैंने ये सिलाई लगाई थी साइड की, उसके बाद मैंने इसे फोल्ड किया, अब इसके बीच में मैं इलास्टिक, ये देखिए मैंने डाल ली, इसको खींच दिया तो इस तरह से मेरा बन गया है। तो ये मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी, पहले इसे इसके पर यहाँ पे अच्छे से चाहे सिलाई मार लीजिए नीचे सुई और धागे से पक्का करके, फिर मैं इसको सिलाई लगा। ये देखिए मैंने सिल लिया इसको, हमने यहाँ से जो थोड़ा सा छोड़ा था इसे यहाँ पे भी सिलाई लगा लीजिए। तो हमारा ये इस तरह से इलास्टिक डल के ये रेडी हो गया। तो सेम इसी तरीके से आप इस तरफ से भी बना ली। ये देखिए हमने ये कवर बना लिया इस तरह से, दोनों तरफ हमने इलास्टिक लगा ली इसके, जो हमने फर्स्ट नाप लिया था। तो अब इसे आप हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कवर रेडी हो गया था। तो जैसे इस तरह से हमने प्लेन ग्रीन तक की बनाई थी जो हमने इसके ऊपर लगानी थी, उसी तरह से हमने थोड़ी पतली ये इस तरह से इसके साथ मैचिंग तक की बनाई है। तो ये हमारा एक डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए हम इसे इस तरफ से भी रख सकते हैं, या हम बाल्टी को इस तरह से, अपनी बाल्टी को इस तरफ से रख के इसे इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा डिज़ाइन शुरू करते हैं। अब दूसरा डिज़ाइन हमें क्या कैसे बनाना है, देखिए जैसे हमने पहले ग्रीन तक की बनाई थी इस तरह से इसके लिए, तो हम दूसरे कवर के लिए इसका नाप लेंगे दूसरे डिज़ाइन के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, मींस हमने यहाँ तक, यहाँ से जहाँ से आपने कवर शुरू करना है इसका, वहाँ से लेके वहाँ पे आप इस तरह से मेजरिंग टेप रखिए और इसके दूसरी तरफ तक का, यहाँ तक का नाप ले लीजिए। तो ये है 24 इंच, तो थोड़ा सा हमारा सिलने में भी आएगा, तो मैं ले लूँगी 25 इंच। तो 25 इंच का हमें एक स्क्वायर पीस कट करना है। जैसे हमने पहले ये तक्की बनाई थी तो हमने स्क्वायर पीस कट किया था, फिर हमने उसको राउंड कर दिया था, उसी तरह से हम ये 25 इंच है, 25 इंच का स्क्वायर पीस कट करेंगे, बाद में उसको राउंड शेप दे। ये देखिए मैंने पीस कटिंग कर लिया इसमें से, जितना हमने नाप लिया था ये स्क्वायर पीस है, 25 इंच ऐसे 25 इंच और 25 बाय 25 इंच का स्क्वायर पीस मैंने ले लिया। तो अब मैं इसमें से राउंड कटिंग करूँगी जैसे पहले मैंने किया था, इस तरह से फोल्ड किया इसको, जिसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और इसे कट कर देंगे, तो ये हमारी राउंड शेप बन जाएगी। तो ये हमारा राउंड शेप में इस तरह से हमारे पास राउंड बन गया। ये देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये रेड वाला पीस बनाया था, ये रेड वाला कवर बनाया था, इसमें इलास्टिक डाली थी, इसी तरह से इसके चारों राउंड में भी हमें इलास्टिक डालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वैसे ही इसे साइड से फोल्ड करना है, इस तरह से मोड़ के, इस तरह से पूरा मोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ देना है और पूरे में इलास्टिक डालनी। ये देखिए साइड से मैंने इसको फिनिश कर लिया पूरा राउंड इस तरह से, और मैंने यहाँ से एक जगह से छोड़ा था, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ से छोड़ा है ताकि यहाँ से मैं इलास्टिक डाल सकूँ। जैसे हमने पहले सेफ्टी पिन और उससे इलास्टिक डाली थी, वैसे इसमें पूरे राउंड में हमें इलास्टिक डालनी है। पर उससे पहले हमें क्या करना है, अगर आप इसके साइड पर कोई लेस या कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे देखिए मेरे पास ये टसल लेस है, तो पहले इस सिलाई के ऊपर, इसके ऊपर नहीं लगाना है आपको, इस सिलाई के ऊपर रख के यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ रख के इसे राउंड में पहले सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद इलास्टिक डालना है। मीन्स आपको ये बंद नहीं करना है, इस सिलाई के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रख के राउंड में ये पूरी लेस लगा लीजिए, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो पहले हम लेस लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें लेस लगा दी है सारी,
चारों तरफ, बस हमारा ये यहीं से खुला है। देखिए लेस हमने इसके ऊपर लगाई है, थोड़ा सा ऊपर करके, जहाँ हमारी ये सिलाई थी, ये देखिए यहाँ हमारी ये सिलाई थी ना, सिलाई इसके ऊपर का, यहाँ ऊपर की तरफ से हमने सिलाई लगा दी। तो हमारा ये पोर्शन इस तरह से ऐसे ही अलग है। तो यहाँ पे इस पोर्शन में हमें अब इलास्टिक डालना है। देखिए तो हमने जैसे पहले से वो डाली थी इलास्टिक, छोटे वाली बारीक वाली, वैसे ही हमें लेना है और इसके पूरे राउंड में हमें इसे डालना है। बाद में वैसे हम यहाँ से इसे स्टिच कर देंगे। ये जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी, वहाँ से हम ये इलास्टिक डाल रहे हैं। तो आप ये पूरे में डालना है आपको राउंड में। पूरे में मैंने इलास्टिक डाल दिया, तो अभी हमारा ये इस तरह से हो रहा है, पर ये जब हम डालेंगे तो ये हमारा प्रॉपर फिट आएगा। तो यहाँ से मैं इलास्टिक को काट के और ये जो थोड़ा सा था इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो ये हमारा इस तरह से कवर रेडी हो गया, साइड में लेस लग के और इलास्टिक के साथ। अब हमें क्या करना है, बस ये जो हमने ग्रीन तक्की बनाई थी इस तरह से इसके ऊपर ये कवर डाल देना है। बस इसमें इलास्टिक है तो ये आपका आराम से इस तरह से ये कवर इसके ऊपर हमारी तक्की के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सेकंड डिज़ाइन, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए फ्रिल के साथ। तो हम इसे वॉश भी कर सकते हैं आराम से, आप इसे निकाल लीजिए और इसे आराम से वॉश कर सकते हैं।